मंडी पठानकोट एनएच में उरला के पास सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 सैनिक जख्मी हो गए, जिसमें एक सैनिक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना का पता चलते ही गरहट गांव के युवक और महिलाओं ने रेस्क्यू शुरू कर सभी घायलों को सड़क मार्ग तक पहुंचाया, जिन्हें प्रारंभिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल पद्दर पहुंचाया गया। सभी सैनिक डोगरा रेजिमेंट के जवान हैं। जानकारी के अनुसार सेना का वाहन प्रातः ही पंडोह से पठानकोट जा रहा था। उरला से करीब 1.5 किलोमीटर आगे गरेहड़ मोड़ के पास एक वाहन को पास देते सड़क धंसने की वजह से 200 मीटर गहरी डांग में लुढ़क गया। उरला के युवाओं ने सभी जख्मी सैनिकों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। बाद में सूचना मिलने पर पदर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना के कारणों की तहकीकात शुरू की है। पलटो पास लगे रहे तो साइड से क्या है कि और जमीन जो नीचे चली गई, तो ट्रक भी साथ में चला गया। पहले थोड़ा सा रुका वो खिड़का, फिर उसके बाद तो पलटी मार चला गया। तो एक बंदा तो बैठ गया ना, एक बंदा तो दूसरी खिड़की से बाहर आ गया, एक का साइड से नीचे आ गया था, गाड़ी पलटते थे। और दूसरे जब खिड़की टूट गई तो मैं बाहर गई।